जीवन किसके हाथ है, अस्पताल में जीवन है या आईसीयू में जीवन है, या जीवन है दवाइयों में या जीवन हाथ में है किसी डॉक्टर के। मैंने सुना है दुआओं में जीवन की झलक मिल सकती है, पर शर्त यह है कि वे सच्चे मन से की गई हों, आत्मा से उठी हुई हों। प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब बनाया किसने है, किसने घड़ी हैं ये सब बातें। दुआएं, ईश्वर, कोरी कल्पना है, मन में उठे विचार हैं, या फिर है छिपी कोई सच्चाई इसके पीछे, या जीवन रहस्य है। रहस्य भी है तो ये रहस्य पैदा करने वाला आखिर कौन है? क्या आदमी है? अगर आदमी है तो, और यदि ये सब कुछ उसे पता है तो क्यों तड़पता है आदमी जीने के लिए? जीवन मरण क्या है, समझ से परे की बात है, नहीं है क्या? जीता कौन है और कौन है जो मरता है? न तो वास्तव में कोई जीता है और न ही वास्तव में कोई मरता है। ये तो चक्र है, इस चक्र के पीछे आखिर कौन है और कौन नहीं, ये एक रहस्य है, सदा सदा के लिए रहस्य। रहस्यों से भी बड़ा गूढ़ रहस्य, ब्रह्मांड में भी नहीं समाने वाला रहस्य। कहते हैं मैंने सुना है, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने सुना है जीवन मरण तो हाथ में है उस सर्वशक्तिमान के, उस सर्वव्यापक के जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है इन हवाओं में, इन फिजाओं में, ब्रह्मांड के कण कण में। कहते हैं वह विराजता है तो एक प्रश्न है उस सर्वव्यापक से, सर्वशक्तिमान से। आदमी चेतना से चिंतन ही कर सकता है, क्योंकि मेरे विचार से जीवन मृत्यु रहेंगी सदैव अपरिभाषित। मैं कविता में लिप्त होकर सागर सा गहरा चिंतन कर जीवन को अमृत कह सकता हूं और मृत्यु को विष, लेकिन यह तो मेरा, इस मानव का, मन का बनाया है। क्या यह सत्य नहीं है? मैं सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा पर अब न जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं है, मुझे स्वयं के होने का भान नहीं है, स्वयं क्या किसी का भी भान नहीं है, यहां तक कि ब्रह्मांड, ईश्वर, मन, विचार, आत्मा सब शब्दों का जाल है। ये दुनिया माया जाल है, भ्रम है। मेरी कविता पढ़कर भावुक नहीं होना, क्योंकि ये भी तो शब्दों का भ्रम है जिसमें आप खामखां उलझे हैं। रचनाकार सुनील कुमार मेहला संगरिया, स्वर नरेंद्र बेनीवाल, और अब दीजिए आज्ञा अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार।